हेलो दोस्तों, आज हम स्पैनर के साइज को कैसे चुटकियों में जान पाएं जो आपको वर्क प्लेस में काम करते वक्त आपको बार बार साइज पूछना पड़ता है और उसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से अपने सीनियर अपने सुपीरियर से डांट खाना पड़ता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब हम जल्द से जल्द आपको समझाते हैं। स्पैनर निकालने का दो फार्मूला हम आपको बताएंगे जो चुटकियों में आप निकाल पाएंगे। पहला फार्मूला है बोल्ट के साइज लेंगे और उसको आधा कर देंगे और उसमें जोर जोर के जो निकलेगा वो आपका स्पैनर का साइज होगा। आपके एग्जांपल के लिए मैं 12 mm का बोल्ट का साइज ले रहा हूँ और उसका आधा होता है 6 और 2, 6 और 12 को अगर जोड़ेंगे तो उसका साइज आपको निकलेगा 18 mm और 18 mm जो आपका स्पैनर का साइज होगा। इस फॉर्मूले से आप अपने अलग अलग बोल्ट के साइज को स्पैनर का साइज के साथ में निकाल सकते हैं जो आपको बहुत ही आसानी से आपको किसी भी बोल्ट को लूज और टाइट करने के लिए स्पैनर की जरूरत पड़ती है। अब हम आपको दूसरा फार्मूला के बारे में बता रहे हैं। दूसरा फार्मूला है बोल्ट का साइज लेना और उसे मल्टीप्लाई कर देना है 1.5 से, जो आपका वैल्यू निकलेगा उसका वो आपका स्पैनर का साइज होगा। इस एग्जांपल के लिए हम 14 mm का बोल्ट ले रहे हैं, उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका रिजल्ट आएगा 21 mm, यानी 21 mm आपका स्पैनर का साइज है जो 14 mm बोल्ट के लिए यूज होगा। इस तरह से हम अपने अलग अलग बोल्ट का साइज का स्पैनर हम चुटकियों में निकाल पाएंगे और किसी भी बोल्ट और नट को लूज करने के लिए जो यूज होता है। दोस्तों, अभी तक आपने जाना इवन नंबर के बोल्ट का साइज का, और नंबर का बोल्ट का साइज होगा तो भी इस ए फार्मूला आपका यूज होगा। जैसे आपको एग्जांपल के लिए 9 mm का बोल्ट अगर लेंगे तो मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो उसका साइज निकलेगा 13.5 के स्पैनर तो नहीं होते मगर आपका 14 के स्पैनर यूज होगा। दोस्तों, इस तरह से अपने अलग अलग स्पैनर का साइज निकाल सकते हैं। मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल हुआ होगा और आपकी जानकारी बढ़ी होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।